अपने निजी बैंकों का जिक्र किया तो उसमें HDFC बैंक तो एकदम शांत पड़ा हुआ है। आज भी एकदम देखें कुछ खास मूवमेंट नहीं रही, और ICICI बैंक ने काफी जोरदार चाल दिखाई है। हालांकि बीच में ये भी थोड़ा सा हाँ अटक रहा है, ये लग रहा है जैसे एक कंजेशन जोन के अंदर फंसा है, लेकिन फिर भी मतलब अगर दोनों की तुलनात्मक रूप से देखें तो स्ट्रेंथ इस समय ज्यादा ICICI बैंक में लग रही है। नहीं, सर्टेनली ICICI बैंक तो अच्छा कर ही रहा और करेगा भी, क्योंकि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का जो विलय है उसके कुछ ना कुछ तो इश्यूज जो देखने को मिल रहे हैं, सारे बैलेंस शीट से रिलेटेड है, डिपॉजिट्स को लेकर है, या कई जो पैरामीटर्स होते हैं बैंकिंग के, वो सारी चीजों को लेकर HDFC बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग। बट अगेन जो लेवल्स है, जो करेक्शन आ गया और जिस लेवल पे HDFC बैंक है, तो इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट कि हम इसको सेल करके निकल जाए, बल्कि मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि 1300-1400 की रेंज माउथ वाटरिंग लेवल्स है जिनको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना है, साल 2 साल 3 साल, और बाय एंड फॉरगेट करना है, तो ये लेवल्स है। और बाकी नीचे भी है तो ये चीज ऐसी है कि जहां पे आप एवरेजिंग के लिए भी राय खुले दे सकते हैं कि हर 50 पॉइंट पे जी आप एवरेज भी कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि HDFC बैंक को लेकर चिंतित है। तो मुझे तो लगता है कि इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, जो साइडलाइंस में बैठे हैं, जो पैसे लेके बैठे हैं, उनको घुसने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो घबराए नहीं। बाकी ICICI बैंक इज एन आउट परफॉर्मर, नो डाउट अबाउट इट। एक्सिस बैंक इज एन आउट परफॉर्मर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाकी ऐसा कोई भी, इंडसइंड बैंक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा था, कोटक इज अंडर परफॉर्मिंग, और बाकी कोई बड़े बैंक्स ऐसे हैं नहीं कि जिनके बारे में हम जिक्र करें, बाकी छोटे हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। जी